लाजीग्राम इस वक्त हम बालासोर के चौक पे मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बालासोर पुलिस की जानिब से एक अहम इकदाम उठाया गया है कि जो लोग बिना हेलमेट के चलते हैं या फिर तीन लोग एक बाइक में सफ़र करते हैं उन लोगों को पकड़ा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है सिर्फ पकड़कर फाइन लगाया नहीं जा रहा है बल्कि ऐसा नहीं बल्कि उन लोगों को हेलमेट देकर ये बताया जाता है कि आप हेलमेट लेके जाइए और आइंदा से जो है हेलमेट पहनिए। इस वक्त आप देख सकते हैं कि बालासोर के SP मोहतरमा सागरिका नाथ खुद मौजूद हैं, बालासोर के RTO ऑफिसर खुद मौजूद हैं, तमाम लोग मौजूद रहकर जो है इस तरह का जो है प्रोग्राम कर रहे हैं, तमाम पुलिस के आला अधिकार मौजूद हैं, मौजूद रहकर देख सकते हैं कि जो लोग पकड़े जा रहे हैं उन लोगों को जो है जो बिना हेलमेट के उनको हेलमेट दिया जा रहा है और जो हेलमेट एक लोग पहने हैं दूसरा बच्चों का हेलमेट इस्तेमाल नहीं किया गया, बच्चों को हेलमेट पहनाने के लिए कहा जा रहा है, बच्चों को भी हेलमेट पहनाने के पीछे बैठने वालों को भी हेलमेट पहनने के लिए कहा जा रहा है। ये एक तरह से देखा जाए कि बालासोर में पहली बार बालासोर की SP की जानिब से जीरो फेडलिटी वीक के तहत यानी ऑब्जर्वर ऑफ जीरो फेडलिटी वीक के तहत जो है आज ये अहम इकदाम उठाया गया है। बालासोर SP खुद मौजूद है, भाई इकदाम उठाए लोगों को हेलमेट भी तकसीम किया जा रहा है ताकि हेलमेट का जो है इस्तेमाल करें, खुद सुरक्षा रहें, अपना जो है खुद हिफाजत करें और साथ में जो है रास्ते में चलते वक्त जो है दूसरों की भी हिफाजत का ख्याल रखें। तो इस तरह का जो है मैसेज यहां से बालासोर के जो है पुलिस प्रशासन की तरफ से दी जा रही है। आइए सीधा सुनते हैं बालासोर की SP मोहतरमा सागरिका नाथ क्या कहती हैं। SP मोहतरमा सागरिका नाथ जी से पूछते हैं कि आज जो है फेडलिटी जीरो फेडलिटी वीक के तहत जो है हेलमेट का जो है आप दे रहे हैं, जिसमें हमारी ये कोशिश रहेगी कि मैक्सिमम कितना हम एक्सीडेंट्स को कम कर पाएँ। इसका आज शुरुआत हम अवेयरनेस से कर रहे हैं और ये लोकेशन आप देख सकते हैं जैसे कि हमने एक स्कूल के बाहर का लोकेशन चूज़ किया है स्ट्रैटेजिकली। हमारा ये आइडिया है और ये हमारा मानना है कि हम कैसे मैक्सिमम बच्चों को यूथ को युवा पीढ़ी को ये बात पहुँचा सकें कि उनकी सुरक्षा उन्हीं के हाथ में है एंड वो इंश्योर करें अपने पेरेंट्स को इंसिस्ट करें कि वो बिना हेलमेट के गाड़ी ना चलाए। तो हम उसी उद्देश्य से आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। बट मेरे कहने का मतलब ये भी है कि मैक्सिमम लोग स्वेच्छाकृत से खुद से ये जो ट्रैफिक रेगुलेशंस हैं रूल्स हैं उनको फॉलो करें तो हम ज़्यादा स्ट्रीमलाइन तरीके से एक सिविलाइज सोसाइटी का गठन कर सकते हैं। केवल पुलिस वहाँ पे रास्ते पे खड़ी है उस वजह से ये रूल्स को ना माने। इसके साथ साथ हमारा जो एनफोर्समेंट है जैसे कि रॉन्ग साइड ड्राइविंग, इलीगल पार्किंग ऑन दी हाईवेज, ड्रंकन ड्राइविंग, ओवर स्पीडिंग, इसके ऊपर भी हमारा डेडिकेटेड फोकस रहेगा इस एंटायर पीरियड में। हम आशा करते हैं कि मैक्सिमम लोगों तक ये वार्ता पहुँच पाए और वो ट्रैफिक रेगुलेशन को फॉलो। हमने देखा बच्चों पेरेंट्स से ज़्यादा बच्चे अवेयरनेस नजर आए, आप हाथ मिला भी रही थी उन लोगों से, क्या कहेंगे बच्चों जो आगे चल के नस्ल जो है हेलमेट पहनेगी। देखिए बच्चे हमारे फ्यूचर हैं, वही हमारे इस देश का गठन करेंगे। अगर वो लोग सतर्क हैं, अगर वो लोग अवगत हैं तो वो सबसे ज़्यादा हमारे लिए वो पावर है। तो हम वही कोशिश करेंगे जैसे कि आपने देखा भी बच्चे खुद ब खुद प्रॉमिस कर रहे थे कि अपने पेरेंट्स को इंसिस्ट करेंगे, उसी तरीके से हम इस वार्ता को और आगे लेके जाएंगे, इंश्योर करेंगे मैक्सिमम लोग हेलमेट पहन के गाड़ी चलाएं। थैंक यू। नाज़रीन आप सुन रहे थे बालासोर के SP मोहतरमा सागरिका नाथ की बात। आइए सुनते हैं उन लोगों को जो पकड़े गए हैं और हेलमेट उनको मिला है वो क्या कह रहे हैं और जो बिना हेलमेट के पकड़े गए हैं वो अपनी जो है कमजोरी या फिर अपनी जो है कोताही को मान रहे हैं, तो उनसे उन क्या कह रहे हैं वो तमाम लोगों की बातें सुनते हैं। स्कूल छुट्टी हो गया तो सिर्फ साइंस में पढ़ाई से तो हेलमेट पहन लिया दरकार ना ना ठीक है तो भूल ही चल नीचे पहन लिया दरकार तब को छुआ को भी पहन ही क्या नीचे पहन लिया दरकार ना अपन पहन लिए ना अपन छुआ अवेयरनेस है ना कौन बोलते भूल ही चल यार नियर भाई नियर ग्रोसरी जोन से नवा भाई आस्तिल तो चैटिया भाई हेलमेट पहन लिया दरकार ना नहीं अपना अपनो तो हां ना ना एटा अपनो आवने से ना अपनो युवा युवा पीढ़ी आवने से कौन कहबे मैसेज कौन देबे समस्त हेलमेट दिया पे करबे। हां एटा तो न्याति जरूरी न्याति जरूरी। आपको हेलमेट दिया गया है बालासोर SP के द्वारा क्योंकि कहा गया कि हेलमेट पहनिए, कितना खुशी महसूस कर रहे हैं और आगे आगे जो हेलमेट कैसे व्यवहार करोगे तुम? अच्छा तो लग ही रहा है, जिसको भी SP मैम की जैसे आदमी देंगे तो ऑब्वियसली अच्छा ही लगेगा। तो काहे के लिए देना पड़ा? क्योंकि आप बिना हेलमेट थे। हाँ। तो आइंदा जो हेलमेट पहनोगे क्या क्या सबक ले रहे हो आज से? ऐसे कि हेलमेट अवेयरनेस ठीक है बट वो कभी पहन सकते नहीं पहन सकते उसका कॉन्सिक्वेंसेस अलग ही होता है, लेकिन पहनना जरूरी है ना? हाँ, जरूरी है। आप मैसेज क्या दोगे युवा पीढ़ी को क्योंकि आप भी यंग मास हो?
क्या बोलना चाहोगे कि सब हेलमेट पहन के घर से निकले गाड़ी लेने से? या मैं बोलना चाहूंगी कि लोग जानते हैं कि हमारे से कुछ भी हो सकता है हेलमेट ना पहनने से, स्टिल लोग नहीं पहनते, उनके लिए बोलना चाहती हूँ कि हेलमेट पहनिए। क्यों नहीं पहने? आप तो यंग हैं। अभी हम लोग कोचिंग सेंटर से खाने के लिए निकले थे, तो इसलिए हम लोग बहुत पास ही शॉर्ट डिस्टेंस से ही आए हैं। क्या शॉर्ट डिस्टेंस में कुछ भी नहीं हो सकता? नहीं, अभी बहुत जल्दी के लिए मैं निकले थे, अभी वापस क्लास में जाना है। बहुत खतरा है ना, तो जल्दबाजी में क्या कुछ कहना चाहते हो कि नेक्स्ट टाइम इस तरह की भूल नहीं? नहीं, नेक्स्ट टाइम ऐसी भूल नहीं होगी। तमाम वो लोगों की बातें जो बिना हेलमेट के पकड़े गए हैं, जिनको हेलमेट दिया गया है, और जो बिना हेलमेट के पकड़े गए हैं तो वो अपनी जो है जो कसूर को मान रहे हैं, अपनी गलती को मान रहे हैं, वो तमाम बातें सुन रहे थे। आइए सीधा आरटीओ ऑफिसर मौजूद हैं, उनकी बातें सुनते हैं, वो इस मौके पर क्या कहते हैं। एटीआर जी, एसपी मैडम गोटे न्यू इनिशिएटिव नहीं कि जो थे कि आम जीरो फर्टिलिटी वीक रे आम अवेयरनेस करुचु, फाइन अवेयरनेस जो माने डॉक्यूमेंट्स माने स्कूल पिला मानंकु जो माने पेरेंट्स बा अभिभावक आसी जो माने हेलमेट न लगे कि आसमानक सेटा दिया जाउची, हेलमेट दिया होची विथ अवेयरनेस। इवन ए जीरो फर्टिलिटी वीक पे डिफरेंट जगार आमर प्रोग्राम्स चकआउट हो जाए जिला जगह कौटी कौ दिन अच्छी चेकिंग अच्छी। आज जमी आप देखिथे गांधी स्मृति भवन पाखे चेकिंग होता आम ट्राफिक इन्स्पेक्टर आमर आउ गोटे टीम अच्छा एन एच उपर जो कि वनरेबल स्पट्स अच्छी एक्सीडेंट्स जो जगह गुड़िकर से आमर हाइवे पेट्रोलिंग सहित से मेन हूँ कि जो रास्ता कटे गाड़ी अनलेफ्ट अनअटेडेड होगी से गाड़ी गुड़िक केमी दूरी से न रखापी जो माने अमान्य अच्छा से अगेंस्ट केस होेक्षी में आमर मोटर व्हीकल इन्स्पेक्टर आज सका के एस कलेज गोटे अवेयरनेस कैंपेन में जोग देते। इवेन संध्या बेले गाड़ी गुड़िक जो गाड़ी गुड़िकर फिट नहीं रास्त चलु कहीं फिटनेस वैध अच्छी दुई वर्ष वर्षे ये भितर थाए जो गाड़ी गुड़िकर जी दिन फिटनेस थाए से समय सब ठीक रहा दरकार से जिनस से संध्या बेलू से चेकिंग रही। तो नाजे आप देख रहे थे कि बालाश्वर का जो है नज़ारा है, जीरो फर्टिलिटी वीक के तहत जो है बालाश्वर के एसपी मोहतरमा सागरिका नाथ की कोशिश जो है आज देख रहे थे कि किस तरह तमाम वो उन लोगों को पकड़ा जा रहा है जो बिना हेलमेट के हैं। यहाँ पे तीन लोग जो है सवार होकर बाइक में चल रहे हैं, उन लोगों को जो है पकड़ा जा रहा है, और जो बिना हेलमेट हैं उनको समझा के जो है और समझाने के साथ उनको हेलमेट भी दिया जा रहा है। ये तमाम नज़ारा देख रहे थे, और कुछ लोग जो बिना हेलमेट के पकड़े गए हैं वो अपनी जो गलती को मान भी रहे थे और तमाम लोगों की बातें सुन रहे थे। ये जो है एक अच्छी कोशिश है बालाश्वर पुलिस की जानिब से कि वाकई यहाँ पर आरटीओ ऑफिसर भी मौजूद हैं, तमाम तरह का जो है मैसेज गया कि आप खुद जो है हिफाजत में रहिए, दूसरों को हिफाजत में रखिए, और खासकर रास्ते पे चलते वक्त किस तरह हेलमेट का इस्तेमाल करना है और किस तरह अपने पीछे बैठने वाले बच्चों का को भी हेलमेट पहनाने की जो है बातें यहाँ पर चल रही थी, बच्चों को भी हेलमेट पहनाने की ज़रूरत है और पीछे बैठने वालों को भी हेलमेट पहनाने की ज़रूरत है, इस तरह की बातें जो है किया जा रहा था। तो ये ज़बरदस्त तरीके से जो है बालाश्वर का जो है आज ये नज़ारा था। बालाश्वर के एसपी मोहतरमा सागरिका नाथ खुद मौजूद रहकर अवेयरनेस कर रही थी, लोगों को जो है हेलमेट तकसीम कर रही थी, और यहाँ से जीरो फर्टिलिटी वीक के तहत जो है एक अच्छा पैगाम निकल कर जा रहा था। इसी के साथ अजीम बालेश्वरी, तर्जुमान, न्यूज़ टाइम, बालासोर, ओडिशा।